हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोट एक्सटेंड, जो कि एक स्मार्ट वॉच आती है बोट की तरफ से। अभी मैंने इसको परचेज़ किया है अमेज़ॉन से, वो भी 2299 रुपीज़ में, यानी 2300 रुपीज़ में। वैसे मैंने इसको एक बार पहले भी परचेज़ किया था, तब मैंने इसको लिया था 2199 रुपीज़ में, 100 रुपये सस्ता। लेकिन अभी थोड़ा सेल इतना नहीं चली तो 100 रुपये महंगा लिया है मैंने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वॉच है, जैसा कि मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ तो इसका मतलब वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ही होगा, बिकॉज़ आई लव वैल्यू फॉर मनी। और भाई ये मैंने लिया है ब्लैक कलर में। पहले जब मैंने ली थी तब गोल्डन कलर में ली थी, क्योंकि तब ब्लैक आया ही नहीं था, लॉन्च ही नहीं हुआ था। फिर अभी लेकिन मुझे लेनी ब्लैक थी, लेकिन ब्लैक मिल ही नहीं रही थी, गोल्डन ही थी, और मुझे लेनी यही थी इसलिए गोल्डन लेनी पड़ी। लेकिन अब जब ब्लैक फाइनली स्टॉक में आ गई है तो मैंने ब्लैक ले ली है। और क्यों ली है मैंने नई वॉच, वो भी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा आगे। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड फिर उसकी कहानी बताते हैं आपको कि मैंने नई वॉच क्यों ली है, पहले वाली कहाँ गई और क्या हाल है उसके। तो अभी भाई मैंने इसको अनरैप कर लिया है। स्टार्टिंग की क्लिप थोड़ी ब्लर थी, क्योंकि उसमें थोड़ा एड्रेस वेड्रेस होता है ना यार, तो ब्लर करना ज़रूरी है। तो अभी ये है कुछ इसका डब्बा ना भाई, खुलने में बहुत मुश्किल है भाई यार, मतलब खुलता ही नहीं है। बहुत कोशिश करी तब जाके खुला है, मतलब इतना टाइट है कि उसको मतलब खींचते ही रह जाओगे यार आप, बहुत मुश्किल है उसको खोलना। फिर भी मैंने यार जैसे तैसे करके खोल ही दिया। अब आप वीडियो में देख सकते हो मैंने कितनी मेहनत करी है इसको खोलने के लिए, लेकिन भाई वॉच एक नंबर है तो मेहनत पूरी वर्थ है। फाइनली मैंने बॉक्स खोल ही लिया है इतनी मेहनत के बाद, और बॉक्स खोलते ही कुछ ऐसा नज़र आता है जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है। बोट की वॉच होती है सामने, इस एक्सटेंड जिसका नाम है बोट वॉच एक्सटेंड। ये एक स्मार्ट वॉच है जिसके अंदर एलेक्सा बिल्ट इन आता है। अगर आपने एलेक्सा परचेज़ कर रखी है तो आप उसको इस वॉच के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैंने ऊपर का पोर्शन हटाया, इसके नीचे आता है एक चार्जर, वॉच का चार्जर, जिसके साथ आपको अपने मोबाइल या किसी और चार्जर के अडेप्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है यार, सबके पास होता है वो, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आता है भाई एक बोट का स्टिकर, आई एम बोट हेड करके, और फिर उसके बाद आता है भाई वारंटी कार्ड। 1 ईयर की वारंटी है इस वॉच पे, अमेजिंग, जिस पे 2 एक्टर्स हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। बाकी भाई ये है, इसको मैं बोलूँगा एक्टर्स की लिस्ट, इसमें पता नहीं एक्टर्स नहीं सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट, भाई हद हो गई यार, इतने सारे सेलिब्रिटीज़। और फिर ये है एक यूज़र मैनुअल, जहाँ तक मुझे लगता है, वैसे तो मैंने देखा नहीं क्या है ये। बाकी मुझे इसका सबसे बेस्ट कलर जो है ना, वो ये वाला कलर ही लगा है अब तक, और मैं चाहता भी यही कलर लेना था, पर तब था ही नहीं तो कैसे लेता, इसलिए अभी आया। एंड मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे लेने का मौका मिला, इसलिए मैंने ले ली ये वॉच। अभी इसके ऊपर ये भाई एक रैप लगा हुआ आता है, तो चलिए इसको हटाते हैं पहले, नहीं पहले वॉच देखते हैं फिर हटाएंगे इसको। तो ये भाई कुछ वॉच देख रहा हूँ अभी मैं, इन हैंड फील ले रहा हूँ थोड़ा, यार पैसे खर्च किए तो इन हैंड फील तो लेना ज़रूरी है ना। अभी ये जो इसका कलर है ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये थोड़ा ब्लैक होगा, लेकिन ये है ग्रे कलर। और फाइनली मैंने इसको अनरैप भी कर ही दिया है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन का पियानो ब्लैक कलर देख रहे हो ना, मैं बेजल्स भी साइड की वैसी ही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन नहीं, ये ग्रे कलर है, वो भी मैट ग्रे। तो डिसअपॉइंट तो नहीं किया है बिल्कुल भी, मतलब एक्सपेक्टेशन वाला चीज़ नहीं है, लेकिन डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं किया है, काफ़ी अच्छा लगता है ये। और ब्लैक ही लगता है, दिन में भी देखोगे ब्लैक ही लगेगा, वो तो अभी थोड़ी नेचुरल लाइट नहीं है इसलिए ग्रे दिख रहा है, नहीं तो भाई बहुत अमेजिंग कलर है ये, आई लव इट। और जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो यार, अभी ये वॉच 100% चार्ज है, लेकिन फिर भी ऑन नहीं हो रही, क्योंकि ऐसा मैंडेटरी है कि इसको चार्ज के लगाओ तभी ये जाके ऑन होगी। तो अभी मैं इसका चार्जर खोलता हूँ और फिर इसको चार्ज के लगाता हूँ, और जैसे इसको चार्ज के लगाएंगे ना, ये डायरेक्टली आपको शो कर देगा 100% बैटरी। फिर आपको एक बार लगा के बस हटा देनी है इसको, और फिर आप ऑन करके यूज़ करो इसको मस्त। और आज 2-3 दिन हो गए भाई इस वॉच को मुझे इस्तेमाल करते, मैंने अब तक इसको चार्ज के नहीं लगाया, बस जब ये पहली बार निकाली थी तब लगा के हटा दिया, 100% चार्ज थी। और वो अब ये देखो मैंने पूरा सेटअप कर लिया है वॉच का, और मैंने अपने हैंड पे लगा भी लिया है। अभी मेरी जो सामान है ना इसका,
ये वापस समेट रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था मेरे पास एक वॉच ऑलरेडी है, तो मैं उसका चार्जर यूज़ करने वाला हूँ। इसको मैं एज अ बैकअप रखने वाला हूँ कि अगर वो कहीं गुम गया तो मेरे पास एक ऑप्शन रहेगा कि भाई मैं ये वाला चार्जर यूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि पहले बहुत दिक्कत थी यार, वो कहीं कहीं गुम जाता था, लेकिन किस्मत अच्छी है कि वो मिल भी जाता था वापस। अभी मैं नहीं चाहता था कि दोनों ही बाहर रहे और दोनों ही गुम जाए, इसलिए मैं इसको एज अ बैकअप ऑप्शन रख रहा हूँ इसी डब्बे में, एंड संभाल के रख दूँगा पैक करके। अभी इस डब्बे में मैं अपनी पुरानी वॉच रखने वाला हूँ इस नई वॉच की जगह, और मैं क्यों रखने वाला हूँ ना, वो अभी आप लोगों को पता लग जाएगा। अभी मैंने चार्जर को पैक कर दिया है, अभी बस मैं वो वॉच दिखाता हूँ आप लोगों को, उस वॉच के क्या हाल है, क्योंकि क्यों मैं उसको इस डब्बे में वापस पैक करके रख रहा हूँ, उसका रीज़न आप लोगों को अभी पता लग जाएगा इन जस्ट थोड़े बहुत सेकंड्स। ये देखो, ये है पुरानी वाली वॉच, गोल्डन कलर, जिसके बेजल्स गोल्डन कलर के हैं, और ये है इसका कारण जिसकी वजह से मेरे को नई वॉच लेनी पड़ी। लेकिन यार बोलते ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी मुझे ब्लैक कलर ही चाहिए था, इसलिए ये पता नहीं किस्मत का खेल है कि ये गोल्डन वाली टूट गई या बुरा मान गई, तो फिर इसलिए इसको रखते हैं वही वापस डब्बे में और अपनी ब्लैक वाली वॉच को एंजॉय करते हैं। बाकी मैंने बोट एक्सटेंड ही क्यों ली है दोबारा, इसका रीज़न मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो इसका रीज़न ये है कि भाई इससे बेस्ट कोई वॉच नहीं है भाई। और तुम यार अनेक ब्रांड्स है, फायर बोल्ट है, नॉइस है, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स है, लेकिन यार वो ब्रांड वैल्यू नहीं है कुछ उनकी, और मतलब यार कुछ ब्रांड का वो नहीं है। ये है बोट, बोट को सब जानते हैं, एकदम बढ़िया ब्रांड है और चीज़ें एक नंबर बनाता है। इसके ईयरप्लग्स ले लो भाई, क्या साउंड क्वालिटी होती है, इसलिए हर चीज़ में रॉक कर रहा है ब्रांड, इसलिए बोट इज़ दी बेस्ट। मुझे तो ये ही बेस्ट लगती है, अब आप लोगों का वो अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। बाकी इसके बेस्ट फीचर्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वैसे तो ये रिव्यू वीडियो नहीं है, ये है अनबॉक्सिंग वीडियो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बेस्ट फीचर्स बता देता हूँ। इसमें एलेक्सा बिल्ट इन आती है, जो और कोई वॉचेस में नहीं आती इस रेंज की। ये 2300 की है, तो उस रेंज में कोई भी वॉच एलेक्सा के साथ नहीं आती है। और भाई इसके अंदर दूसरा फीचर है इसकी ब्राइटनेस, भाई इसकी ब्राइटनेस बाकी सारी वॉचेस से बहुत ज़्यादा है भाई, मतलब आप सोच नहीं सकते कि दिन में भी आप शार्प धूप में भी आप जाके इसकी स्क्रीन पे देखोगे ना, आपको क्लियरली टाइम दिखा देगी। बाकी तो भाई वही कॉमन फीचर्स है जो हर वॉच में आते हैं, ये हेल्थ रिलेटेड और ये सब, बाकी और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल स्मार्ट वॉच जैसी है। एक मैं इसके बैटरी बैकअप की बात करने वाला हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है मैंने सेम वॉच यूज़ कर रखी है, तो रिव्यू भी जल्दी बना दूंगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा इसका बैटरी बैकअप बहुत ही प्यारा है यार। आप इसको मतलब एक बार चार्ज कर लो 100%, 15 दिन तक तो आपको ये मान लो भूल जाओ कि वॉच को चार्ज भी करनी है, 15 दिन तक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक बार चार्ज कर ली 15 दिन तक भूल जाओ भाई कि कुछ चार्ज भी करनी है वॉच, इतनी एफिशिएंसी है इसकी बैटरी की, बहुत 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 मस्त लगी। अब आप समझ सकते हो यार, मैंने दोबारा सेम वॉच खरीदी है तो मुझे कितनी पसंद होगी ये वॉच, तब जाके मैंने ये ली है। मतलब मुझे, मैंने आज भी ये लेने से पहले रिसर्च करी, लेकिन आज भी इसका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है भाई, तगड़ा वाला जो कॉम्पिटिटर है ना, वैल्यू फॉर मनी जब चीज़ आप ढूंढते हो ना, तो ये वॉच है वो वैल्यू फॉर मनी। और इसकी लुक्स ना यार, और वॉचेस में मैंने देखा है कि उसके जो स्ट्रैप्स होते हैं ना, उसके हुक्स भी ऐसे बाहर निकले हुए रहते हैं, तो वो लुक्स को थोड़ा सा डाउनग्रेड कर देते हैं यार, वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस वॉच के लुक्स भाई क्या लगती है, जब आप इसको हाथ पे पहनते हो ना, अलग ही लुक आता है भाई, बिल्कुल अलग ही लुक, नेक्स्ट लेवल का लुक। बाकी आप देख सकते हो यार, मैंने आप लोगों को इस वॉच की सब चीज़ दिखा दी है, अगर आप लोग मांगोगे तो मैं इसका एक रिव्यू भी ले आऊँगा प्रॉपर। बाकी आप इसमें भाई अपने हिसाब से कोई भी वॉच फेस लगा सकते हो कस्टमाइज़ करके, जैसा भी आप चाहो, आप चाहो अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हो, लेकिन यार मेरे को वो थोड़ा पसंद नहीं है अपनी खुद की फ़ोटो ऐसे वॉलपेपर पे लगाना, इसलिए मेरे को जो बेसिक जो इंटरफेस है ना वो पसंद रहता है, इसलिए मैंने ये वाला इंटरफेस लगा रखा है जो कि आप अभी देख पा रहे हो। ये मुझे काफ़ी डिसेंट, सिंपल और क्लासी लगता है, इसलिए मैंने ये वाला फेस लगा रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है कर देना। थैंक यू सो मच।